चीजें करने के लिए पानी चाहिए होगा फिर। हाँ पोटी करने के लिए पानी चाहिए बोला तो उसके लिए चाहिए चाहिए कल पानी। तो अगर मान लो पोटी करते समय पानी खत्म हो गई तो अब तुम जानो कहाँ से लाओगे पानी फिर। नहीं खराब तो नहीं है, ऐसे ही है, मार्बल का मैंने ये मंगाया थे तो नहीं सही है, क्यूट सा छोटा सा, इतने छोटा था मेरा पहले भी तो अभी भी। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैंने कुछ मंगाए थे एक्चुअली फ्लिपकार्ट से, एक्चुअली ये शिवरात्रि के दिन आना था बट आया नहीं, बट अफसोस कोई नहीं, मैंने एक फ़ोटो में लेके पूजा किया तो मैंने आपको बताया था मैंने कुछ मंगाई थी तो वो चीज़ आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है, जैसा मैंने देखा था वैसा है या नहीं, पहले मैं चेक कर लेती हूँ, इसको खोल लेते हैं। काफ़ी उससे पैक करके भेजे हैं इन्होंने, अनबॉक्सिंग हो रही है। इसको फाड़ दे क्या? हाँ फाड़ दे। शिवरात्रि के दिन आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता पर आया नहीं, चलो खैर कोई नहीं आ तो गया, पर मेरे पास था पर वो टूट गया था तो अब आया है। इतना छोटा सा खोल के देखते हैं कैसा है, पैकिंग तो सही से करके भेजें कि टूटे ना उनको भी। जबरदस्त पैकिंग किए हैं, ये देखिए मस्त जैसा था वैसा ही है, नाइस। छोटू सा खैर ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने खोल दिया है, सब कुछ ठीक है इसका, और फिर इनको अच्छे से नहला धुला के इनकी पूजा की जाएगी। इनको चेक कर लेते हैं कहीं कुछ खराब वराब तो है तो नहीं, नहीं खराब तो नहीं है, ऐसे ही है, मार्बल का मैंने ये मंगाया थे तो नहीं सही है, क्यूट सा छोटा सा, इतने छोटा था मेरा पहले भी तो अभी भी भगवान जी छोटा सा ही है तो चलो कोई नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरा आ गया जैसा है वैसा ही। चलिए इसको अब रखते हैं, अब इसको सुबह हम इसको अच्छे से गंगा जल से नहलाएंगे इनको, फिर हम इनको रखेंगे मंदिर में। अब चलिए गाइस, काफ़ी टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा खाना वाना खाया जाए क्योंकि आज फ्राइडे है। मैं हर फ्राइडे को संतोषी माँ का फास्ट रखती हूँ तो इस बार तो मैं नहीं रख पाई बिकॉज मेरा मेडिसिन वगैरह चल रहा है, तो मेडिसिन जैसे हम खाते हैं तो हम फास्टिंग वगैरह नहीं करते हैं तो ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल खाना वाना खाती हूँ, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाती हूँ, घी में बना हुआ खाती हूँ खाना वाना। चलिए मैं देखते हैं क्या क्या मैंने बनाया है आज खाने में। खाना बन के तैयार है, बस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है, चावल बन गई है और मैं हर फास्टिंग में कुछ ना कुछ बचका वगैरह बनाती हूँ, ये अभी बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, करारे करारे हैं, और बीन्स आलू का भुजिया बनाई है, मैं कभी करेले की भुजिया कभी बीन्स आलू का भुजिया या फिर भिंडी जिस सीजन से सब्जी होती है उसी हिसाब से बनाती हूँ। ये सारा प्लेन खाना है जैसे लहसुन प्याज कुछ नहीं है, और ये घी में बनाया हुआ दाल है। बस अब हमारा डिनर तैयार है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो अभी खाना खा लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और फिर हम कल मिलते हैं। कल मैंने बाल में ऑनियन जूस लगाया था, ऑनियन जूस, आज मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, ऑयलिंग से मसाज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बोला था कि एक दिन आप ऑनियन जूस लगाओ और एक दिन आप ऑयल से मसाज करो स्कैल्प को, तो उससे क्या है ना आपका बाल बहुत ही अच्छा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा।
ये रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे 1.5 से 2 महीने में आपका बाल तो एक तो रुक जाएगा झड़ना वगैरह, और बाल बहुत हेल्दी हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा आपका बाल, क्योंकि हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने ऊपर करके देखा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टूटेगा भी नहीं बाल आपका। तो अभी हल्के हाथों से आपको, हाँ जो ऑयल लेंगे आप अच्छा ऑयल लेंगे, जो भी लेंगे, मैं ये मेडिकेटेड ऑयल यूज करता हूँ ये वाला, हम देख पा रहे हैं, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे इससे फ़ायदे हैं, मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। ये मिलता नहीं है बेसिकली, मैं एक डॉक्टर हैं पास में, उनके यहाँ से मैं ये ले मंगाता हूँ, तो मैं 2-3 फाइल ला कर रख देता हूँ इकट्ठे, और फिर मैं इसको यूज करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, दिस इज चंदन। एक्चुअली एक अभी क्या हुआ, मैं अभी वीडियो डाल रहा था एडिट करके रखा है, रात में एडिट किया था वीडियो कि कल डाल दूँगा, और अब सुबह मैंने देखा कुछ कर रहा था, कुछ फाइलें डिलीट कर रहा था जो मेरे यूज का नहीं था, और उसमें वो ब्लॉग भी डिलीट कर दिया मैंने, अब फिर से एडिट कर रहा हूँ, इसलिए आज आपको शायद ब्लॉग ना मिले, आज शाम रात में मिलेगा, ऑफिस में आऊँगा तो 11 बजे के बाद, तो यही एक अपडेट देना था, बाकी देखते हैं। गोला खाना बना रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, हम तो रोज मिलते हैं, तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग चल रही है, अब खाना वाना नाश्ता सब बन रही है, फटाफट क्या बना रही है, लौकी बना रही है, लौकी दाल चावल, क्योंकि हम रोज ही चावल खाते हैं, आप सोचो कि रोटी खाते नहीं, हम चावल रोटी भी खाते हैं, पर चावल ज़्यादातर चलता है हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा चावल प्रेफर करती हूँ, तो मेरे वजह से मेरे हस्बैंड भी चावल ही खा लेते हैं, और वो जिम करते हैं तो उनको थोड़ा सा बॉयल चावल चाहिए होता है, तो फिर अलग अलग नहीं बनाती हूँ मैं, तो एक साथ ही सब बना लेती हूँ। क्या बना रही हो गोला? दाल चावल सैजन बैगन आलू का सब्जी। सैजन हाय गाइस, हम लोग का तो यही है, रात को आओ फिर खाना वाना बनाओ तैयार करो फिर खाओ, खा के फिर जल्दी सो जाओ। पानी आया? पानी नहीं आया गाइज, यहाँ पे 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। आज मैं आ रहा था ना अभी, तो मैं और लोग बालकनी में खड़े होकर पानी की ही चर्चा हो रही थी, हर जगह हर कोई इधर उधर बाल्टी लेके इसके घर उसके घर जा रहा था लेने के लिए। ऐसे पानी की दिक्कत होती नहीं है, कभी कभी होती है, पर इतने साल में तो पहली बार होगी। हाँ ये दूध देखो, कल फिर हम नहा नहीं पाएंगे ना। हाँ नहा नहीं पाएंगे, बाकी चीज़ें करने के लिए पानी चाहिए होगा फिर। हाँ पोटी करने के लिए पानी चाहिए बोला, तो उसके लिए चाहिए चाहिए कल पानी, तो अगर मान लो पोटी करते समय पानी खत्म हो गई तो अब तुम जानो कहाँ से लाओगे पानी, फिर ऐसे करेंगे ना एक ही साथ पोटी चल चलेगी पानी कम यूज होगा हैं। हाँ फिर वही करना पड़ेगा फिर क्यों गाइस, कैसा है आइडिया, आप लोग कीजिए, आप लोग बताइए, आप लोग को जब कभी पानी की किल्लत होती है, पानी नहीं आते, तो आप क्या करते हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि आप करते क्या हो पानी जब खत्म हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे गोला सहजन की सब्जी बना रही है, सहजन और बैंगन का, आलू भी डालूंगी इसमें, आलू भी डालोगी, आलू सहजन बैंगन की सब्जी बन रही है, सहजन ऐसे फायदा करता है बहुत, बॉडी के लिए अच्छा होता है, सरसों डाल के बनाऊंगी, ऐसे देसी चीज़ खाना चाहिए, जब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं सीजनल सब्जी होती हैं उनको खूब खाना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए बनाया कि उस सीजन में खाने के लिए, सही
सहजन, सहजन के पत्ते पता है बहुत फायदा देता है। हाँ, मोरिंगा बोलते हैं ना, मोरिंगा पाउडर भी आता है, मतलब सहजन के जो पत्ते होते हैं उसको सुखा के उसका पाउडर बना के और खाने के लिए, उसके उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, मल्टी विटामिन उससे मिल जाते हैं आपको। तो बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब 400-500 के आपको 50 ग्राम 100 ग्राम मिलते हैं, इतने कम मिलते हैं। अच्छे अच्छे ब्रांड जो हैं वो मोरिंगा पाउडर बेचते हैं और उससे बहुत पैसे कमाते हैं। गाँव में ऐसे उगते रहते हैं उसके, गाँव में हम लोग क्या करते हैं, सहजन के पत्ते ऐसे ही फेंक देते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आके पता चला कि सहजन की कितनी फायदे हैं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी खा सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है सहजन। सहजन हो गया, यहाँ तक कि वीट ग्रास हो गया, वीट ग्रास पाउडर, छोटे छोटे जो वीट गेहूं के जो पत्ते जो जो उसके बच्चे जो होते हैं उनके जो कलियां होती हैं, तो उस समय आप काट लीजिए उसको और उसको सुखा के पाउडर बना के खाइए। जिनको शुगर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये सारी चीज़ें। तो जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो प्लीज उसे यूज करें इस तरह से, जैसे गेहूं हो रहा है आपका, खरीद के यूज करना पड़ता है, हम तो खरीद के उसको खाते हैं, और उसको आप शहद में डाल के आराम से यूज करो, बहुत ही फायदा देता है ये, बहुत बेनिफिट है, हमें तो पता ही, तो बाद में पता चल रहा सब चीजें। गांव में ऐसे बहुत सारी, जो गांव के लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती है, हमें पता नहीं होता है, बाद में पता होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो अभी ऑफिस से मैं आया और गोला भी अभी ही ऑफिस से ही आई, और पता चला कि पानी नहीं है, आज भी नहीं आया, कल भी पानी नहीं आया था, परसों पानी हमने चलाया था, पूरा टंकी फुल हो गया था, वही टंकी अभी चल रहा है, देखते हैं कल सुबह में क्या हालात रहते हैं। और पानी खरीद भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पानी आसपास इतने किल्लत हो गए हैं कि आसपास सारे जो वेंडर होते हैं पानी वाले सबके ख़त्म हो गए पानी में, अभी पता भी किया कहीं पानी नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है, कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको पानी की क्या है। और ऑफिस कैसा रहा आज तुम्हारा? अच्छा था। चलो सही था, तुम्हारा कैसा था? ठीक था। तो अभी पहले खाना बनाया जाए, खाया जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह का ब्लॉग मैंने डाल दिया था, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, है ना, आपको बताना चाहिए कि हम आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग, आप कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, आप लाइक का बड़ा किल्लत करते हो, प्लीज लाइक तो कर दिया करो यार, अगर वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो, उसमें पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब कर दो, जो लाल वाला बटन होता है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे, हम पॉजिटिव हो गए उससे कि हाँ हमारे लोग, हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो फैमिली है बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ उसे रेड लाल वाला जो बटन है नीचे, जो वीडियो चलता है उसके नीचे लाल बटन होता है, उसको क्लिक कर दिया करें। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और कल देखते हैं कल क्या होता है, पानी का पानी आता है नहीं आता, मैं आपको अपडेट कर दूंगा सुबह के ब्लॉग में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। या